गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम एंगल बनाना सीख रहे थे बाय यूजिंग कंपास। पिछले वीडियो में हमने 30, 60, 120, 90 और 45 डिग्री के एंगल बनाना सीखे थे। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि एंगल बनाने के लिए सबसे आप एक आर्क लेंगे, फर्स्ट कट लगाएंगे, यहां से ये 0 डिग्री कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से फर्स्ट कट लगाएंगे तो वो 60 डिग्री का बनेगा, और अगर आप 0 डिग्री पे रख के फर्स्ट कट 60, सेकंड कट 120, तो यहां लगाएंगे तो आपका 120 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री बनाने के लिए आप इस तरह से कट लगाएंगे, फर्स्ट 60, 120, 60 पे भी रख के ऊपर और 120 पे रख के ऊपर इस तरह से बनाएंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। अगर आप 0 पे रख के इधर और 60 पे रख के इधर काटते हैं तो ये 30 डिग्री बनेगा, और इस तरह से आप उनको बना सकते हैं। आज हम जो एंगल्स हमारे बचे हुए थे, रिमेनिंग एंगल्स को बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहां पे हम 0 यहां पे रख के सबसे पहले 75 डिग्री का बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पे रख के इसे इस तरह से घुमाना होगा, फिर यहां पे रख के 60, फिर यहां पे रख के 120। देखिए जो 75 डिग्री है वो 75 डिग्री 90 और 60 के बीच में आएगा, तो पहले हमें 90 बनाना जरूरी है। तो हमने 90 का कट लगा लिया है, अब क्योंकि आप जानते हैं कि हमें मेन 90 का नहीं बनाना है तो हमें यहां पे कट लगाना पड़ेगा, यानी ब्रोकन लाइन यहां पे ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद बिना इसको हिलाए 60 और 90 दोनों पर रख के इनके ऊपर काटेंगे। देखिए पहले हमने 90 का बनाया, फिर 90 पे यहां पे और 60 वाली जो कट है यहां पर रख के हम जब ऊपर की तरफ इन्हें इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो एंगल आएगा ये हमारे पास आएगा 75 डिग्री। क्लियर? इसी तरह से हम 105 डिग्री बनाएंगे, तो ये जो है 90 और 120 का हाफ होता है तो 105 आता है इनके बीच का। इसे बनाने के लिए भी हम सबसे पहले हम यहां पे रखेंगे, पहले हम 60, फिर हम 120 और फिर 90 का एंगल बनाएंगे 60 और 90 120 पे रख के। अब इसे फिर से बेस फेस से मिलाएंगे, देखिए अगर हमें 75 बनाना है, तो 60 और 90 के बीच में इस तरफ आता है, लेकिन 105 जो है 90 और 120 के बीच में आएगा। देखिए यहां रखेंगे, और इसको मिलाएंगे, तो ये जो हमारे पास एंगल आएगा ये हमारे पास आएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री। ओके, अब हम बनाना सीखेंगे 150। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहां 0, 60 और 120, और नेक्स्ट अगर हम कट लगाएंगे तो 180 डिग्री का आएगा। अगर हम 0 और 60 का हाफ करें तो 30 आएगा, 60 और 120 का हाफ करें तो 90 आएगा, और 120 और 180 का हाफ करें तो हमारे पास 150 आएगा। इन सभी एंगल के बीच में जैसे यहां 60 डिग्री
यहाँ पर भी 60 डिग्री इनके बीच में, यहाँ पर भी 60 डिग्री। हाफ करने का मतलब इसको हाफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 डिग्री, और 30 को आप इसमें ऐड करेंगे तो 30, ऐसे यहाँ पर भी 60 का आप करेंगे 30, 60 में ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 150 डिग्री। इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम 60, उसके बाद 120, और हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, अब 120 पे रख के हम नेक्स्ट कट जो लगाएंगे 180, ठीक है। अब हमें 150 का बनाना है तो 120 और इन दोनों पे रख के हम इनका हाफ करेंगे इस तरह से। ध्यान में रखिएगा हमने सबसे पहले इस तरह आर्क ड्रॉ किया है, उसके बाद फर्स्ट कट 60 पर रख के 120, 120 पर रख के 180। अब हम इन दोनों का हाफ करेंगे, यहां आएगा, इसके बाद अब हम इन्हें मिलाएंगे, ये जो हमारा एंगल आएगा ये आएगा 150 डिग्री, क्लियर। अब एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, यूजिंग हैंड आपको सिर्फ समझना है। 75 डिग्री का बनाने के लिए आप एक आर्क लेंगे, यहां पे रखते हुए इसे हम 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। यहां पे रखते हुए आप फर्स्ट कट लगाएंगे 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद 120, 90 का बनाना आपको आता है तो 60 पे रख के यहां रख के आप इस तरफ, और 120 पे रख के यहां, इसको जब आप डेज डेज से मिलाएंगे। अब अगर आपको 75 का बनाना है तो 60 और 90 पे रख के इस तरफ, 60 पे रख के यहां पे, 90 पे रख के भी यहां पे, ध्यान रखिएगा आपको यहां रखना है, इस हाफ सर्कल पे ही आपको हमेशा शार्प पॉइंट को रखना है आपके कंपास का, और इसके बाद इसको स्केल से मिला देंगे तो ये बन जाएगा 75 डिग्री। ऐसे ही 105 डिग्री बनाने के लिए आपको 60 पे रख के इस तरफ, और 120 पे रख के यहाँ पे, और इसे डेज डेज से मिलाएंगे। आपको याद रखना है कि जो शार्प एज होती है वो हमेशा इस हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल पे ही रखी जाती है, अदरवाइज कहीं नहीं रखी जाती है। अब अगर 75 का बनाना हो तो 60 और 120, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है, इन दोनों पर रख के ही आपको इस तरफ काटना होगा। लेकिन अभी हमें 105 का बनाना है तो 90 और 120 के ऊपर रख के इस तरफ, और यहाँ पे रख के इस तरफ, पर इस तरह से इसको काटेंगे तो 105 डिग्री बनेगा। 150 बनाने के लिए आपको एक हाफ सर्कल कंप्लीट बनाना होगा थोड़ा सा ज्यादा, फिर यहाँ 0 डिग्री पर रख के आप फर्स्ट कट लगाएंगे 60 पर रख के आप लगाएंगे 120, फिर 120 पर रख के आप लगाएंगे 180। अब हमारे पास जो 150 डिग्री है वो यहाँ पे रखेंगे 120 पे, और 180 पर रख के इस तरह यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये जो हमारा एंगल आएगा वो आएगा 150 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। ज्योमेट्री एंड शेप में हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, लाइंस के बारे में हम पहले समझ चुके हैं कि लाइंस, रेज और इंटरसेक्टिंग, सॉरी लाइन सेगमेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेशल पेयर ऑफ लाइंस, उनके बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको इन सभी एंगल को अपनी नोटबुक में बनाना है और 2 times बनाएंगे आप, हर एक एंगल को 2 times बनाएंगे, यानी 150 को, लेकिन कंपास से, आप कंपास और रूलर से ही बनाएंगे, हैंड से नहीं बनाएंगे, प्रोटेक्टर से भी नहीं बनाएंगे। आप उसको चेक करेंगे प्रोटेक्टर से, अगर वो गलत है तो आप से उसको सही करेंगे, ठीक है। तो आपको ये मैंने पहले जो एंगल दिए थे वो, और ये नेक्स्ट हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसके बाद हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।